तो क्या हाल है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग अपनी YouTube वीडियोस के ऊपर जो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है उसको बहुत ही इजीली हटा सकते हैं, वो भी अपने फ़ोन के थ्रू। और बहुत ज़्यादा आसान काम होता है ये। कॉपीराइट क्लेम जो होता है वो हर यूट्यूबर की वीडियो के ऊपर 5 या 6 सेकंड का हमेशा आ ही जाता है, तो उसको हटाने का बहुत ही ईजीली ट्रिक है। मतलब आपको लैपटॉप खोलने की ज़रूरत नहीं है, अपने यूट्यूब स्टूडियो पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन से ही बहुत ही ईजिली अपना कॉपीराइट क्लेम हटा सकते हैं। तो मेरा नाम है सुरजीत और अगर आपको मेरी वीडियोज़ रिकमेंड हो रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताता हूँ कि कैसे आप लोग अपना जो कॉपीराइट क्लेम आता है वो हटा सकते हैं, क्योंकि थोड़े दिन पहले मैंने जो एक वीडियो डाली थी, मतलब उसको प्राइवेट करके रखा हुआ था और उस पर कॉपीराइट क्लेम आ गया था, तो मैंने उसका क्लेम कैसे हटाया वो भी अपने फ़ोन के थ्रू। तो अब मैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन आपकी स्क्रीन पर शेयर करता हूँ, तो आप इस स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन का कोई भी लोकल ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो मैं यूजुअली क्रोम यूज़ करता हूँ, तो मैं क्रोम ओपन करूँगा। उसके बाद वहाँ पे आपको यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब का वहाँ पे आइकन ऑलरेडी होगा। वहाँ पे जाने के बाद आपको साइड में जाके अपने जो स्क्रीन होगी उसको डेस्कटॉप साइड पे कन्वर्ट कर लेना है, ताकि वो डेस्कटॉप की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। और उसके बाद साइड में आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। उस लॉगिन के जो ऑप्शन है, जो मेरी प्रोफाइल दिख रही है, उस पर क्लिक करने के बाद आपको यूट्यूब स्टूडियो एक दूसरी टैब में ओपन करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक ऐप डाउनलोड कर रखा है अपने फ़ोन में यूट्यूब स्टूडियो नाम का, और वहाँ से आप कॉपीराइट क्लेम नहीं हटा सकते, तो आपको इसको एक और टैब में ओपन करना पड़ेगा। और वहाँ से जाने के बाद आपको कंटिन्यू टू स्टूडियो करना पड़ेगा, नीचे जो लिखा होगा। कंटिन्यू टू स्टूडियो करने के बाद आपका जो यूट्यूब स्टूडियो है वो ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और साइड में आपको कुछ आइकन दिखेंगे, उसमें सेकंड आइकन जहाँ पे आपकी यूट्यूब वीडियोस होती है वहाँ पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आप देख रहे होंगे मेरी बहुत सारी वीडियोस है और एक वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ रखा है, 5 से 6 सेकंड का एक क्लेम था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए जिसके थ्रू मैं आपको बता सकूँ कि कैसे आप लोग कॉपीराइट क्लेम जो है वो हटा सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का कॉपीराइट क्लेम था, जो लास्ट के 5-6 सेकंड की वीडियो बची थी उसमें कॉपीराइट क्लेम आ गया था, क्योंकि मैंने उस पर एंड स्क्रीन लगाई थी और जो मेरा गाना था वो मतलब उसने कॉपीराइट क्लेम कर दिया। तो उसको आप कैसे हटा सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं 734 से 747 तक का कॉपीराइट क्लेम आ रखा है। और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, साइड में जाके ना जो एक्शंस है ना वहाँ पे सेलेक्ट एक्शन करना है। आप यहाँ पे ट्रिम आउट कर सकते हैं या फिर उसको रिप्लेस कर सकते हैं सॉन्ग को, या फिर म्यूट सॉन्ग कर सकते हैं। तो 5-6 सेकंड का जो होता है उसको तो हम म्यूट भी कर सकते हैं, कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे जाके म्यूट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, म्यूट सॉन्ग। म्यूट सॉन्ग पे क्लिक करा, अब यहाँ पे लोड हो रहा है। और यहाँ पे तो आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, म्यूट ऑल साउंड व्हेन सॉन्ग्स प्ले, मतलब अगर आप कुछ बोल रहे हैं और उस वक्त पे आपका कॉपीराइट क्लेम आया तो आपकी बोलने की जो आवाज़ होगी वो भी यूट्यूब काट देगा। और एक दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो है सिर्फ म्यूट सॉन्ग ओनली, तो यहाँ पे आपको जो कॉपीराइट सॉन्ग हुआ वही हटेगा, बाकी आपकी आवाज़ सारी की सारी सेम रहेगी। तो मैं सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, म्यूट सॉन्ग ओनली, और इस पर क्लिक किया। इसके बाद यहाँ पे नीचे पे कंटिन्यू करते हैं उसके बाद, और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे म्यूट का ऑप्शन दबाते हैं। जो सेकंड वाला ऑप्शन था इस पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मतलब 1 से 1.5 घंटा लग जाता है कॉपीराइट क्लेम हटने में। तो अब यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी, आप इसे बंद करके भी रख सकते हैं, और 1 से 1.5 घंटे बाद आपको या फिर कुछ मिनट के बाद आपको पता चल जाएगा कि जब आपका कॉपीराइट क्लेम था वो उस वीडियो में से हट चुका है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरी वीडियो थी उसमें से जो कॉपीराइट क्लेम था वो बिल्कुल हट चुका है। यहाँ पे अब आपको देख रहा होगा सारे में नन 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 नन, कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं है। तो इस तरीके से आप अपना कॉपीराइट क्लेम हटा सकते हैं। तो वीडियो को रैप करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कॉपीराइट क्लेम का मतलब होता है कि 5 या 6 या 10 सेकंड का कॉपीराइट क्लेम आना। ये नहीं होता कि पूरी की पूरी वीडियो पे ही कॉपीराइट क्लेम आ रखा है और उसको आप हटाने में लगे हुए हैं। उसके लिए आपको वीडियो रिप्लेस करनी पड़ती है, क्योंकि जिनके मोनेटाइज चैनल होते हैं उस पे जो उनका रेवेन्यू आता है वो जो क्या बोलते हैं कॉपीराइट क्लेम वाला बंदा होता है उसके पास जाता है, और आपके पास पैसा नहीं आता जो रेवेन्यू होता है। तो अगर 5 से 6 सेकंड का कॉपीराइट क्लेम है तो आप उसको इजीली अपने फ़ोन से हटा सकते हैं। बड़ी वीडियोस का भी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो आपको हटानी ही पड़ती है यूट्यूब से, या फिर पूरा गाना जो होता है उसको रिप्लेस करना पड़ता है। तो यही था इस वीडियो में, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी या, हैव अ ग्रेट डे।